गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? हमें लास्ट कहाँ तक कर लिया था? हीट ट्रांसफर कर रहे थे। मैंने आपको कंडक्शन स्टार्ट कर दिया था। कंडक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट में क्या डिफरेंस होता है एंड उसके लिए हीट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट। ये देख लास्ट मैंने पढ़ाया था। आलिया, कोई डाउट लास्ट क्लास रिलेटेड? ओके, अब देखिए, जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर सेगमेंट है, ये कोई सेगमेंट दे रखा है। इस सेगमेंट में बोले कि अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं, हीट करंट, तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराऊं उसके बेस पे करंट मैक्सिमम होगा या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्लैब मिनिमम होगा या मैक्सिमम उसके बेस पे। देखिए, पहले रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय के इंटू ए, ये रिलेशन था। L, length of that particular, A, area of cross section and K, thermal conductivity. यहाँ पे length का मतलब क्या होता है? Length का मतलब होता है वो particular dimension जो parallel to current हो, उसको हम length consider करते हैं। And area of cross section उसको consider करते हैं। Plane perpendicular to flow of current. तो इसके अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर टर्म का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसका लेंथ यहां से यहां तक दे रखा होता है L एंड ब्रेथ यहां से यहां तक दिया होता B एंड हाइट यहां से यहां तक दिया होता। अगर आपसे बोलता कि करंट अगर इस पर्टिकुलर स्लैब से यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती, फिर बता सकते हैं। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस इन दिस केस, क्वेश्चन ये था कि एक मेरे पास कोई स्लैब इस तरह से है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? ओके, मैंने कोई स्लैब दिया इस तरह, इसमें मैंने करंट फ्लो करा है उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में हीट करंट इस तरह से, तो बताइए रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर यहां से यहां तक एल है,
ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक बी है एंड एच मेरे पास यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो इसमें बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। रिद्धि क्वेश्चन समझ आया आपको? देखिए मैंने रेजिस्टेंस के लिए क्या कहा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/k थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ जो होता है वो करंट के फ्लो के पैरेलल, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके जो पैरेलल सेगमेंट है यहाँ पे कितना है h, तो वो उसके लेंथ की तरह बिहेव करेगा, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये प्लेन, तो इस प्लेन का एरिया कितना हो सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लैब के लिए। अदिति समझ आया? आलिया कोई डाउट? ओके बेस में एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्लैब ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी जीरो पॉइंट एट वॉट पर केल्विन। इफ टेम्परेचर एट एंड्स इज 10 degree एंड 90 degree रेस्पेक्टिवली, फाइंड मैक्सिमम हीट करंट। हीट करंट मैक्सिमम होना चाहिए तो रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो आप स्लैब को इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस आपको ऑब्टेन्ड हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको सारी वैल्यूज गिवन है सॉल्व कर लीजिए।
कुछ समझ आया? देखिए, आप बोलिएगा कि करंट मैक्सिमम होने के लिए आपको रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मिनिमम होने के लिए ये मेरे पास सबसे स्मॉल एंड ये मेरे पास सबसे लार्ज, ऐसा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इस पर्टिकुलर करंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से। सो हीट करंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए के इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिवाइड बाय इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, उसको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सो के की वैल्यू दे रखी है 0.8, लेंथ 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, चेंज इन टेम्परेचर 90 माइनस 10, सो इट विल बी 80, डिवाइड बाय ब्रेथ विच इज 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। सो ये दो टर्म इन दो टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट, 8864। हीट करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मीन्स जूल पर सेकेंड, या इसी चीज को वॉट बोल सकते हैं। आइए, समझ आया आपको? अदिति, कोई डाउट? लिख लिया आप लोगों ने? सेम इस तरह ऐसा क्वेश्चन हो सकता है स्लैब हैविंग डायमेंशन 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, हूज वन एंड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज अटैच्ड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Find amount of ice that would melt in 10 minutes if thermal conductivity is 0.5 watt per meter Kelvin. यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो स्लैब कनेक्टेड है वो लेंथ मतलब 10 सेंटीमीटर के पैरेलल मतलब कुछ ऐसे है। एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ आइस, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर है। एंड ये आपका 10 सेंटीमीटर है।
इधर आपका 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है एंड इधर बहुत सारे आइस प्रेजेंट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। तो बताइए कि 10 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट कर जाएगा। अब पहले सोचिए क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन समझ आया आपको? ओके, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर कोई भी मान लीजिए, यहां से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो करना शुरू करेगा, हीट करंट। वो हीट करंट यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे उस हीट करंट की वजह से इन आइस को कुछ हीट मिलेगी मेल्ट करने के लिए। तो आपको कैलकुलेट करना है 10 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट कर जाएगा। अब कैसे सोचिएगा, आप पहले बोलिए यहां से हीट करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसको कैलकुलेट करते हैं। सो हीट करंट सिंपली इक्वल्स होता है क्यू बाय टी, और उसका फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी बाय लेंथ, इतना होता है। अब ये जो क्यू है, जो हीट मिली उस पर्टिकुलर एंड पे, वो फ्री उस आइस को मेल्ट कराने के लिए केपेबल है। सो उस क्यू को कन्वर्ट कर दीजिए मास टाइम्स लेटेंट ऑफ फ्यूजन में। आपको लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पता है, मास कैलकुलेट हो जाएगा कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो सकता है उतने गिवन अमाउंट ऑफ हीट पे। पुट कर दीजिए, टाइम आपको पता है, सॉल्व कर लीजिए। अदिति क्वेश्चन समझ आया? कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको।
क्यू उसको लिख सकते हैं मास ऑफ आइस टू बी मेल्टेड टाइम्स लेटेस्ट फ्यूजन डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल। आपको मास ऑफ आइस टू बी मेल्टेड निकालना है, सारी चीजों को उस साइड भेज दीजिए, सो यहां से आ जाएगा मास ऑफ आइस टू बी मेल्टेड इक्वल्स टू के, k की वैल्यू दे रखा है 0.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप 4 × 4 जो हीट करंट के परपेंडिकुलर होता है उसको लेते हैं, सो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴। चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0, सो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ 10 सेंटीमीटर, सो 10⁻⁹। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आप अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 80 कैलोरी पर ग्राम, उसको आप जूल में लिखना चाहते हैं तो होता है मेरे पास 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो ये मेरे पास है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म से डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको अप्रोक्स आता है 335। टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट इंटू 60, तो 600 सेकेंड्स, सॉल्व कर लीजिए। आइए समझ आया, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए। टाइम की वैल्यू मैंने कन्वर्ट की, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट था, 100 से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, सो 81 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 ले सकते हैं या 4.186 ले सकते हैं पर ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए केजी में 10⁻³, ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, तो कुछ इतनी वैल्यू आती है। आलिया कोई डाउट? अदिति समझ आया? सॉल्व कर लिया,
आसान कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको मत लिखिए, आप उसको लिख लीजिए इंटू 80 इंटू 4.2 इंटू 1000, ज्यादा आसान होगा। सो 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट, ये जीरो एंड ये जीरो कैंसिल आउट, फिर उसके बाद 8 इंटू 2 टाइम्स 16, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो 6 को इससे डिवाइड कर दीजिए 0.7 टाइम्स में, सारी चीजें कट गई, आपके पास बच जाएंगे ऊपर में 10 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 0.7, सो 1/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सो 1/7 इज 0.13, 10 टू द पावर माइनस 2, तो 1.3 ग्राम अप्रॉक्स इतना। समझ आया? आलिया कैलकुलेशन समझ आई? ओके, अदिति कोई डाउट? लिख लिया आप लोगों ने? अब इस हीट कंडक्शन के बेस पे हम कुछ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जैसे हमने वहां पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी के बेस पे डिफाइन करना था, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। कहते हैं आपके पास कोई दो रॉड है, एक रॉड ये ले लीजिए एंड एक अनदर रॉड ये ले लीजिए, दोनों के एंड पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर है, इसके एंड पॉइंट पे टेम्परेचर को मान लीजिए T1, इसके एंड पॉइंट के टेम्परेचर को मान लीजिए T2, ये बीच में कोई टेम्परेचर होगा उसको आप मान लीजिए T0। जब दोनों कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाता है, सपोज कर लीजिए एक सिंगल यूनिट कुछ इस तरह से, तब इस सिंगल यूनिट का कॉम्बिनेशन इन कंबाइंड बॉडी के साथ कैसे रिलेटेड होगा थर्मल कंडक्टिविटी, हमें वो कैलकुलेट करनी है। इसकी लेंथ यहां से यहां तक L1 मान लीजिए, L2 मान लीजिए, फिर दोनों बॉडी की अपनी थर्मल कंडक्टिविटी, इसके लिए K1, इसके लिए K2, फिर इन दोनों का कंबाइंड ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए के इक्विवेलेंट मान लीजिए, तब इसकी लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही रहेगा T1 एंड T2। तो मुझे कैलकुलेट करना है के इक्विवेलेंट K1 K2 के साथ कैसे रिलेटेड होगा, डिफाइन कीजिए। तो आपको एक कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्टेड है उसके बेस पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो पहले हम हीट करंट लेते हैं फर्स्ट वाले वायर में, तो H1 इक्वल्स टू के ए टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बाय लेंथ L1। तो यहां से टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, सो T1 माइनस T0 इक्वल्स टू H1 L1 डिवाइड बाय K इंटू A, आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आलिया यहां तक कोई डाउट?
Similarly, we can write for the next part, temperature difference T naught minus T2 equals to heat into length divided by K into A. अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दीजिए. जैसे ऐड कीजिएगा T naught एंड T naught कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास रिलेशन आ जाएगा T1 minus T2 equals to H1 L1 by K into A plus H2 L2 by K into A. ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इसके बाद अगर मैं कंबाइन रॉड के लिए डिफाइन करूं तो क्या होगा? फॉर इक्विवेलेंट रॉड, इस वाले रॉड के लिए देखूं, तब इसके लिख सकता हूं हीट करंट इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इनटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ एल वन प्लस एल टू इनटू टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू. तब इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये बोलेगा कि तीनों का एरिया, मतलब इन दोनों रॉड का एरिया ए है, इसलिए आप ये a1 a2 ये सब हटा दीजिए. सो दोनों का एरिया इक्वल, तो इसका भी एरिया इक्वल. अब हम यहां से क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू h इक्विवेलेंट इनटू l1 प्लस l2 डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट इनटू एरिया. एक इक्वेशन ये आ गया. हम ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो आप बोलिएगा सो h1 h2 और h इक्विवेलेंट तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि तीनों सीरीज ही करंट के अलग अलग टर्म को मैंने लिया है. तो इन तीनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिए एंड इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है. अदिति, कोई डाउट यहां तक? और ये सॉल्व हुआ.
देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। सो ऑन इक्वेटिंग दोनों टर्म को आप ये हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंसेस एच इक्विवेलेंट इनटू एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट टाइम्स ए एच वन एल वन बाय के वन ए प्लस एच टू एल टू बाय के टू इंटू ए। चूंकि एच वन एच टू एंड एच इक्विवेलेंट तीनों इक्वल होता है कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कॉमन करके कैंसिल आउट कर दीजिए, सो यू गेट एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एल वन ओवर के वन प्लस एल टू ओवर के टू। सो ये मैंने दो रॉड के लिए कैलकुलेट किया है तब ऐसा होगा। इन जनरल अगर आपको एन नंबर ऑफ रॉड के लिए कैलकुलेट करना होता तो ये डायरेक्टली आता आंसर एल वन प्लस एल टू सो ऑन टू एल एन होल डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट। ये होता है मेरे पास एल वन बाई के वन, ये होता है मेरे पास एल टू बाई के टू एंड सो ऑन टू एल एन बाई के एन, कुछ ऐसा आंसर आता। अदिति समझ आया आपको? आलिया समझ आया? ओके तो ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लिया थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे, ठीक। फिर अगर आपको लेंथ इक्वल दे रखी होती तो आप उन सारे लेंथ को इक्वल करके एंड देन उसके बेस पे पुट करके सॉल्व कर सकते थे। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? सेम चीज अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पूछूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका हीट करंट डिफरेंट होता है तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, ये कोई सेकंड रॉड, ये दोनों फिक्स्ड एंड पे प्लेस है। जब मैं दोनों को कंबाइन किया तो इसका इक्विवेलेंट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कंबाइन करने के बेस पे। अभी इस एंड को कनेक्ट किया गया टेम्परेचर टी वन पे, टेम्परेचर टी टू पे, तो इसका भी टेम्परेचर टी वन एंड इसका भी टेम्परेचर टी टू, मतलब ये चीज ट्रांसफॉर्म होके ये हो गए टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर टी टू, दोनों की लेंथ सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अलग हुआ, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के वन, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के टू। जब ये कंबाइन कर गया तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट हो गई, लेंथ एल ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन प्लस ए टू। तब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैसे कीजिएगा। फर्स्ट वायर में करंट फ्लो करता होगा एच वन, सेकेंड वायर में करंट फ्लो करता होगा एच टू एंड इस इक्विवेलेंट वायर में करंट फ्लो करता होगा एच इक्विवेलेंट। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट बट यहाँ पे हीट डिफरेंट होता है। सो एच वन इक्वल्स टू के ए बाय एल टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू। सेम एच टू इक्वल्स टू के ए बाय एल temperature difference T1 minus T2 and for H equivalent equals to K equivalent A1 plus A2 divide by L temperature difference T1 minus T2. So according to the law total मेरे पास जो current होगा इन दोनों में जो flow करता होगा दोनों का sum इस particular combined equivalent पर्टिकुलर रॉड में फ्लो करता होगा। सो एच इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एच वन प्लस एच टू।
आप इन इक्वेशंस में इन अबव टर्म को पुट कीजिए, t1 माइनस t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, LLL कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको k इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आया? अदिति, कोई डाउट? ओके, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। ये सॉल्व हुआ, गुड अदिति। देखिए h इक्विवेलेंट की जगह पे ये पुट कीजिएगा तो आपका रिलेशन आ जाएगा k इक्विवेलेंट a1 प्लस a2 बाय लेंथ l, टेम्परेचर डिफरेंस t1 माइनस t2। h1 की जगह पुट कीजिएगा तो आ जाएगा k1 a1 बाय लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस t1 माइनस t2। फिर उसी तरह h2 ka बाय लेंथ l, टेम्परेचर डिफरेंस t1 माइनस t2। Temperature difference cancel out, length cancel out. So you will get K equivalent is equals to K1 A1 K2 A2 divided by K1 plus K2 A1 plus A2. Good, Alia. Okay, अब इसी तरह अगर n number of rods होते तो यही term expand होके n number of rods की तरह चला जाता। ओके, तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपको डिराइव करने के लिए मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां तक कोई डाउट? ओके, मैं आपको एक तो आसान से क्वेश्चन देता हूं।
आपको तीन आइडेंटिकल रॉड्स हैं, यहां पे टेम्परेचर T1 है एंड यहां पे टेम्परेचर T2 है, तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल। फाइंड K equivalent। कौन कौन सा सीरीज में दिख रहा है, कौन कौन सा पैरेलल में दिख रहा है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे T1 एंड T2 है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ से करंट फ्लो करा के चेक कर लीजिए। यहाँ से करंट गया, ये जंक्शन है, जंक्शन में करंट का डिवीजन होता है, सो कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। सपोज कर लीजिए H1 करंट इधर गया, आगे गया, सिर्फ यहाँ पे रास्ता बेंड हो गया, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज हो जाएगा। फिर यहां से आगे गया H2, तो ये दोनों आपस में कैसा हो जाएगा, पैरेलल, पहले ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके साथ ये टर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, मैंने कहा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर चेक करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करा कर चेक करते हैं। तो करंट देखिए यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, मतलब इस दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन की गई हो। यहां से करंट फ्लो कराइए, जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जंक्शन दिखाई दे रहा है, जंक्शन पाथ का डिविजन करंट का डिविजन, सो कुछ करंट इधर की तरफ जा रहा होगा कुछ करंट इधर जा रहा होगा। इस करंट को मैंने H1 ले लिया, इस करंट को मैंने H2 ले लिया, हीट करंट, ये H1 आगे गया एंड यहां से बस बेंड कर गया, बेंड करना मतलब यहां पे कोई और जंक्शन नहीं है, सिर्फ पाथ बेंड हो गया है, पाथ के बेंडिंग करने की वजह से अमाउंट ऑफ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू सेम ही होगी, रिमेन्स H1। सो दिन दो कॉम्बिनेशन के लिए करंट सेम होता है, उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सो ये रॉड सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पहले उनको कंबाइन कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उनके साथ ये जो टर्म आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया, समझ? अदिति समझ आया? ओके, सॉल्व कीजिए।
फर्स्ट रॉड ये एंड सेकंड रॉड ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल्स टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2. सो L प्लस L इज 2L डिवाइड बाय K इन सीरीज. LL कॉमन कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा 1 by K सिंपली 2 by K. सो 2 and 2 कैंसिल आउट. सो K इन सीरीज इज जस्ट इक्वल्स टू K. इतना आ गया. अब ये टर्म उस थर्ड रॉड के साथ पैरल कॉम्बिनेशन में है. पैरल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट A प्लस A इक्वल्स टू K1A1 प्लस K2A2. सो जाएगा K इन पैरल इक्वल्स टू दिस प्लस दिस इज 2 times of K डिवाइड बाय 2. सो सिंपली आपका K इक्विवेलेंट K आ जाएगा. आया समझ? तो हर क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करा के चेक कर लेते हैं कि वो सीरीज में कौन कौन सी चीजें हैं, पैरेलल में कौन कौन सी चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए. अदिति समझ आया? ओके. अब इसी कंडक्शन के बेस पे एक टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस. आइस का फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए? सपोज कर लीजिए ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है. इस तरह से आइस फॉर्म होना स्टार्ट कब करता है? तो हम बोलेगा 0 degrees Celsius जैसे टेम्परेचर कम होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ठीक. तो आइस फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर 0 degree या 0 degree से कम होना चाहिए. किसी भी स्टेट पे हमने कुछ अज्यूम किया कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म हो रखी है यहां से यहां तक. फर्दर उसमें एक स्मॉल लेयर कि अपने कुछ विड्थ होगी यहां से यहां तक. सपोज कर लीजिए dy. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा a. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ क्या होता होगा, कोल्ड करंट फ्लो करता होगा. जैसे हीट करंट फ्लो होता है यहां से यहां तक, उसी तरह कोल्ड करंट फ्लो करता होगा यहां से यहां तक. एंड इसी कोल्ड करंट करने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ आइस या वाटर फ्रीज करना शुरू कर देता होगा. So, हमने जैसे हीट करंट कैलकुलेट किया था H इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी इक्वल्स टू के ए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइड बाय लेंथ L. अब यहाँ पे जो क्यू होगा वो क्यू उस पर्टिकुलर आइस मतलब वाटर को फ्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. सो वी कैन राइट क्यू इक्वल्स टू मास टाइम्स लेटेंट फ्यूजन. मास इज इक्वल्स टू हो सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो सकता है एरिया इंटू लेंथ इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन. इतना मतलब इतना अमाउंट ऑफ आइस मे बी फॉर्म्ड हो सकता होगा उसके बेस पे. यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो हो जाएगा मेरे पास रो ए वाई into latent perfusion divided by time taken dt equals to k thermal conductivity a area of cross section
चेंज इन टेम्परेचर इन दोनों टर्म के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए थीटा, क्योंकि एक 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, दूसरा पर्टिकुलर 0 डिग्री से कम होगा, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे हीट या कोल्ड एनर्जी का ट्रांसफर होता होगा, जिसके बेस पे आइस फॉर्म करना शुरू होता होगा, तो उसको मान लीजिए थीटा डिवाइड बाय इट्स लेंथ dy. हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि पहले से ऑलरेडी हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ आइस है, फर्दर उसको इतना अमाउंट ऑफ वेट चेंज करना है तो कितना आइस बनने की जरूरत पड़ेगी. ओके, यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखी हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं सो जाएगा रो ए एंड ए कैंसिल आउट, लेजेंड ऑफ फ्यूजन, ये हो जाएगा मेरे पास y इंटू डी वाई डिवाइड बाय k इंटू थीटा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू dt इंटीग्रेशन. टाइम जीरो से किसी टाइम t में लेवल ऑफ आइस कहां से कहां तक चेंज करेगा, सो इसको मान लीजिए y1 से y2, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको कितना अमाउंट ऑफ लेयर कितने टाइम में फॉर्म हो सकता है उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी. अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस थीटा से 0 डिग्री सेल्सियस तक है, तब ये थीटा यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे होगा, वहां से कोल्ड एनर्जी इसकी तरफ शिफ्ट करती होगी जो आइस के फॉर्म करने के लिए क्या है कैपेबल है. आया समझ? आलिए कोई डाउट? देखिए हमने क्या क्या माना, पहले मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ आइस पहले से फॉर्म था, ठीक, जिसकी अपनी कुछ लेंथ यहां से यहां तक थी कितनी y, मुझे और फर्दर आइस का फॉर्मेशन करना था ड्यू टू दिस कोल्ड एनर्जी जो यहां से इसकी तरफ शिफ्ट कर रही थी. सराउंडिंग का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस पे है, इस वाटर का टेम्परेचर इस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस है, सो यहां से इसकी तरफ कोल्ड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, एंड वो इतना इनफ है ताकि इस पर्टिकुलर वाटर को फ्रीज कराने के कैपेबल है. तो मैंने उस कोल्ड एनर्जी को क्यू टाइम्स MLF मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लेटेंट फ्यूजन, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी. किसी भी स्मॉल टाइम dt में कुछ dy अमाउंट ऑफ लेंथ आइस का फॉर्मेशन हुआ इस पर्टिकुलर हीट या कोल्ड के कंडक्शन करने की वजह से, तो आपके पास एक रिलेशन आया टाइम विद रिस्पेक्ट टू लेयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस. आलिया समझ आया? ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा डेंसिटी इंटू लेटेंट फ्यूजन डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इंटू थीटा वाई टू द पावर 1, उसका स्क्वायर कीजिएगा, सो वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट y2 से y1 तक dt, इसका इंटीग्रेशन t लिमिट t टू 0. सम यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम इन विच एक लेयर से दूसरे लेयर में कितने देर में पहुंच जाएगा, उसके बेस पे रिलेशन आ जाएगा यहां से. सो t इक्वल्स टू रो लेटेंट ऑफ फ्यूजन बाय 2 टाइम्स ऑफ k इनटू थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर. तो ये क्या है, लेयर ऑफ आइस है. कितनी देर में इतने से इतने लेयर तक फॉर्म हो सकती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां तक लिख लिया? ओके,
तो इतनी सारी चीजें थी आपको कंडक्शन से रिलेटेड, कैसे हीट या कोल्ड का कंडक्शन हो सकता है, एंड देन उसके बेस पे अलग अलग फिनोमेना थे। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बोलते हैं हम लोग हीटिंग ऑफ फ्लूइड को, हीटिंग ऑफ फ्लूइड। एंड इसकी जो हीटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है एज कंपेयर टू कंडक्शन, जो हमने पढ़ा था पीछे उसके बेस पे। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है इस तरह से, यहां से मैंने कोई बर्नर दिया, उसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है अप टू ए गिवन लेवल तक इस तरह से। जैसे आप हीट दीजिएगा तो पहले हीट किसको मिलेगी, तो आप बोलिएगा बॉटम लेयर लिक्विड को। जैसे ही बॉटम लेयर लिक्विड हीट अप हुई, तो हीट अप होने की वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से वो बबल शेप बना लेता है कुछ इस तरह से। जैसे ये बबल शेप बनाया, बबल शेप बनाने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम होने की वजह से उसके ऊपर बायोन फोर्स एक्ट करने लगता है, सो ये अपवर्ड राइज करने लगता है। जैसे ही अपवर्ड राइज करता है तो इस पॉइंट से उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर कुछ लिक्विड का लेवल था जो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा था। तो जैसे ही ऊपर राइज किया, तो ऊपर राइज करने की वजह से लेवल ऑफ लिक्विड अबव इट उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए प्रेशर कम होने की वजह से उसका साइज एक्सपैंड कर जाता है, सो स्लाइटली बिगर शेप अक्वायर करता है। फिर और ऊपर राइज करता है तो और बिगर शेप अक्वायर करता है इस तरह से। तो इस तरह लिक्विड फ्रॉम बॉटम लेयर हीट अप होके इंडिविजुअली राइज अप करना शुरू करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है दूसरा नेबरिंग पार्टिकल उस पोजिशन को अक्वायर करने के लिए वहां पहुंच जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता होता है जब तक ईच पार्टिकल इंडिविजुअली हीटेड ना हो जाए, इसीलिए कन्वेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल हीटिंग। यहां तक कोई डाउट? ओके, अब इसमें भी देखिए एक और सवाल, जैसे थोड़ी देर पानी अगर गर्म करके अगर आप पीना शुरू कीजिए, तो आप देखिएगा ऊपर ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा ही होता है। तो आप बोलिएगा सेम इसी रीजन की वजह से, क्योंकि मे भी ऐसा हो रखा होगा कि थोड़ा सा पानी गर्म जो ऊपर का था उतनी लेवल तक हीटअप हुआ था, एंड नीचे का लिक्विड एज इट इज कोल्ड ही था, इसलिए जैसे जैसे पानी पीते जाते हैं उस ग्लास में उसकी हीट जो टेम्परेचर होती जाती है वो कम होती जाती है फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर इसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बेस पे। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को होने के लिए वहां पे ग्रेविटी होना कंपल्सरी है, जो बायोन फोर्स की वजह से उसको अपलिफ्ट कराने के केपेबल है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ना हो जो उस बबल को राइज अप कराने के लिए नेसेसरी बायोन फोर्स प्रोवाइड करता हो, तो वहां पे ये हीटिंग इफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एस्ट्रोनॉट कभी चाय बनाकर पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं? क्या वाटर को कभी बॉइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस में नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए बायोन फोर्स जीरो होगा। तो उस कंडीशन में सिर्फ बॉटम लेयर लिक्विड हीटअप हो जाएगी, वो फर्दर अपलिफ्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर नेट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो बायोन फोर्स की वैल्यू जीरो, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, दूसरा पार्टिकल उस पोजिशन को एक्वायर नहीं कर सकता, इसलिए उसी लेयर में हीट रहेगी, ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी वाटर बॉयल नहीं कर सकते वो। आई बात समझ? आलिया समझ आया? ओके, तो पहले इस प्रोसेस में हुआ क्या हम देख लेते हैं। एट बॉटम ईच पार्टिकल इंडिविजुअली एब्जॉर्ब्स हीट
and get expanded. So density decreases, volume increases. So they ascend due to upward bound force. And neighboring particle acquired that position. This process will continue till each get heated individually. यहां तक कोई डाउट? तब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, why astronauts unable to heat water or boil water? तब इसका रीजन उस पर्टिकुलर टर्म में लिख सकते हैं। अले यहां तक सब कुछ समझ आया? गुड, लिख लिया? लिखिए। यहां तक नेक्स्ट अलग अलग टर्म कन्वेक्शन के बेस पे डिफाइन था। नेक्स्ट होता है मेरे पास रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल आप क्लास 12 पढ़िएगा, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हम सिंपली फ्लो ऑफ हीट समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेगा रेडिएशन में फ्लो ऑफ हीट विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है, मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई पैन है जिसको आपने गैस बर्नर के ऊपर प्लेस किया है, ठीक। इस तरह ये कोई बर्नर, वहां से हीट इसको मिल रही है। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट उसके ऊपर फॉल करती होगी इस तरह से, इसको हम बोल सकते हैं क्यू इंसिडेंट। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस एनर्जी के बेस पे वो तीन अलग अलग फिनोमेना कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस तरह से,
तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, सो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो गई एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है इस तरह। तब यहां से हम तीन टर्म डिफाइन करते हैं। पहला एब्जॉर्बेंस, ए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस पर यूनिट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट और टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। द अमाउंट ऑफ heat absorbed per unit radiation or heat incident on it। तब इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, विच इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। ये पहली कंडीशन। सेम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्टेंस, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गई पर यूनिट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। द अमाउंट ऑफ हीट reflected per unit heat incident on it। तब इसको denote करते हैं small r से, which is amount of heat reflected per unit heat incident on it। And third, कितना amount of energy transmit हुई अगले direction में, तो उसको बोलते हैं हम लोग transmittance। The amount of heat transmitted per unit heat incident on it। तब इसके बेस पे डिफाइन करते हैं T is equals to amount of heat transmitted per unit heat incident on it, कुछ इस तरह से। आलिया, तीनों टर्म समझ आया आपको क्या क्या हुआ? अदिति, कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां से अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलिएगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना हीट इंसिडेंट हुआ, हीट इंसिडेंट इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड heat reflected plus heat transmitted।
इन तीन टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्यू इंसिडेंट, क्यू एब्सॉर्ब्ड, क्यू रिफ्लेक्टेड एंड क्यू ट्रांसमिटेड। इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाइए, तो यहाँ पे बच जाएगा वन, ये हो जाएगा क्यू एब्सॉर्ब्ड बाय क्यू इंसिडेंट, ये हो जाएगा क्यू रिफ्लेक्टेड बाय क्यू इंसिडेंट एंड ये हो जाएगा क्यू ट्रांसमिटेड बाय क्यू इंसिडेंट। ये पर्टिकुलर टर्म कहलाता है एब्सॉर्बेंस, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेंस एंड ये कहलाता है ट्रांसमिटेंस इक्वल्स टू वन। एक रिलेशन यहां से यहां तक आ गया, आई बस समझ। ओके, अब इस पर्टिकुलर टर्म के अलग अलग मतलब हो सकते हैं एंड देन उसके बेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट रिलेशन हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ए की वैल्यू जीरो हो जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए, तो टी की वैल्यू वन, तो परफेक्टली ट्रांसमिटेड उसको बोल सकते हैं, परफेक्टली ट्रांसमिटेड। सेम हो सकता है अगर आपके पास बाकी दोनों टर्म ए की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, सो इसको बोल सकते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टेड। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास आर की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू वन हो, तो उसको बोल सकते हैं परफेक्टली एब्सॉर्बर। आई बस समझ। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो इतना पढ़ के रखिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और सारे अलग अलग टर्म सिखाऊंगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ओके देन, थैंक यू।